टाइगर थे देखी भाई? यस भाई, थोड़ी देर पहले देखिए यार, बहुत ही कमाल के सर, बहुत ही शानदार, मतलब काबिले तारीफ, जितनी तारीफ करो उतनी कम यार, बहुत ही शानदार फिल्म। क्या खास लगा इस फिल्म की कहानी? मेरे को बहुत ही ज्यादा शानदार लगी। और जो लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में एक अच्छी कहानी नहीं आती, अच्छे टॉपिक्स पे नहीं आती, वही वाहियात कहानी रहती, इसको देखो आप पता चलेगा कि बॉलीवुड में क्या दम है। बॉलीवुड पूरी तरह से कमबैक कर चुका है, इसमें आपको एक्शन के मामले में एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जब आप एक फ्रेम पर ऋतिक रोशन, शाहरुख खान और सलमान खान को देखोगे ना, तो टोटली गूज बम्स आ जाएंगे। और गूज बम्स की रही बात, तो आपको कई जगह तो कैटरीना कैफ के एक्शन को देख के गूज बम्स आ जाएंगे। और वहीं जो इमरान हाशमी के दो जो दमदार डायलॉग्स है, जो उनकी बहस है और जो एक्शन है सलमान खान से, टोटली मतलब फाड़ू है और फुल टक्करी देते हैं। मतलब कि कई बार तो आपको ऐसे लगेगा कि सलमान खान तो गए, वो तो फिर शाहरुख खान की एंट्री हो जाती है, तब सलमान को बचा। ये फिल्म आपको कहीं किसी तरह से बोर करती है? नहीं, बोर नहीं करती, हर तरह से मेरे को फ्रेश कहानी लगी, यूनिक लगी है। और ऐसी फिल्में और आ जाए, मतलब कि अब समझ में आ रहा है कि स्पाइन वर्स की वजह से इसकी कहानी क्यों इतनी दमदार है, क्योंकि इसकी कहानी को कहीं ना कहीं जोड़ा जाएगा वॉर टू से, जब ऋतिक रोशन की एंट्री। अच्छा, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि सलमान खान मतलब बूढ़े हो चुके हैं, वो एनर्जी नहीं थी, कुछ भी करते रहेंगे, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता सलमान। आपको पैसा लगी, मतलब फुल पैसा वसूल है? कितने स्टार देने चाहेंगे इसको? 5 से पूरे 5 स्टार।